हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है फोरग्राउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहता है इन टर्म्स ऑफ पोएट्री, अगर हम इसको पोएट्री के टर्म में समझते हैं, हम मॉर्फोलॉजी के अंदर इसे पोएट्री के टर्म में समझा जाता है। इट इज ए वे टू मेक दी पोएट्री स्टैंड आउट फ्रॉम ऑर्डिनरी राइटिंग्स। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम अपनी जो पोएट्री है, जो हम पोएम लिख रहे हैं, उसको ऑर्डिनरी राइटिंग से अलग करके, कुछ हटके, अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे फोरग्राउंडिंग कहते हैं। इट इज यूजुअली ए डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर टू द अनयूजुअल मीनिंग और कैन से गोइंग अलोफ द रूल्स ऑलरेडी सेट टू विजुअलाइज द डीपर एंड हिडन मीनिंग। जो कि पोएट्री के अंदर रूल्स सेट होते हैं उनसे हट करके कुछ अलग करना, यही फोरग्राउंडिंग होता है। इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो फोरग्राउंडिंग इज व्हेन यू मैनिपुलेट वर्ड और सेंटेंस टू बी पुट इन सच ए वे दैट मे सीम टू बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बट इट अट्रैक्ट्स अटेंशन। कि फोरग्राउंडिंग क्या होता है कि जब हम किसी वर्ड को या सेंटेंस को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि ग्रामेटिकली वो गलत लगता है लेकिन वो जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करता है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है वो पोएम को और उसकी रिदम को। फोरग्राउंडिंग के हम आगे टाइप्स पढ़ते हैं। फोरग्राउंडिंग दो टाइप्स की होती है, एक होती है पैरेललिज्म और एक होती है डेविएशन। पैरेललिज्म होती है, इसको हम अनएक्सपेक्टेड रेगुलरिटी भी बोल सकते हैं, और डेविएशन को हम अनएक्सपेक्टेड इरेगुलरिटी भी बोल सकते हैं। तो इनको अब आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब जो पैरेललिज्म है उसको समझते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अनएक्सपेक्टेड रेगुलरिटी। इट इज द रिपीटेशन ऑफ ए साउंड वर्ड और आइडिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, आई किस दी अरे आई किल्ड दी। अब यहाँ पे जो वर्ड है आई किस्ड आई किल्ड, ये आई किल्ड दी आई किस दी, ये दोनों वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो रिपीटेशन होती है किसी साउंड की, वर्ड की या आइडिया की, वही पैरेललिज्म होता है जो एक रेगुलर वे में हो। इसको ये एग्जाम्पल लिया गया ओथेलियो से, शेक्सपियर की जो वर्क है ओथेलियो, वहां से है। अब जो नेक्स्ट है वो है डेविएशन। इट इज ऑल्सो नोन एज अनएक्सपेक्टेड इरेगुलरिटी। ये इरेगुलरिटी होती है, जैसे इट इज टू डेविएट फ्रॉम दी सेड नॉर्म्स ऑफ दी लैंग्वेज। ये जो कोई भी पोएम लिखने का या कोई भी लैंग्वेज के जो नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनसे कुछ हट करके ये करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस। ये जो लाइन है ये डेफोडिल्स पोएम से ली गई है, ये वर्डवर्थ की जो वर्क है डेफोडिल्स, उससे। तो इसके अंदर इन्होंने कुछ हट करके इसको अट्रैक्टिव बनाया है। अब इसमें जो वर्डवर्थ क्या बोलते हैं, वर्डवर्थ शो हाउ ही डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू क्रिएट ए सेंटेंस दैट इज डिफरेंट एंड येट अट्रैक्टिव। तो इस एग्जांपल से हमें समझ आता है कि वर्डवर्थ ने कैसे इंग्लिश लैंग्वेज के जो नॉर्म्स है उनसे हट करके, उनसे अपनी पोएट्री को डाइवर्ट करके एक ऐसे सेंटेंस को क्रिएट किया दैट इज डिफरेंट, जो कि पोएम में डिफरेंट भी था और अट्रैक्टिव भी बनाता है उसे। अब इसके बाद कुछ और जो फैक्ट्स है वो जानते हैं। द टर्म वॉज फर्स्ट एसोसिएटेड विद पॉल गार्विन इन 1960। ये फोरग्राउंडिंग जो टर्म है ये सबसे पहले पॉल गार्विन ने यूज की थी 1960s में। इट कैन अकर ऑन ऑल द लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। कि जो फोरग्राउंडिंग है वो लैंग्वेज के सभी लेवल्स पे यूज की जा सकती है, जैसे कि फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, लेक्सिक, सिंटेक्स, सिमेंटिक। इट इज जनरली यूज टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए टेक्स्ट। और ये ज्यादातर फोरग्राउंडिंग किस लिए यूज की जाती है, ताकि जो एक टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उनको हाईलाइट करने में फोरग्राउंडिंग का यूज होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा फोरग्राउंडिंग अच्छे से। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।